2024 में 7, लेकिन 2023 को लेकर इंडिया में दरार। राज्यों में केजरीवाल और अखिलेश यादव ने पकड़ी अलग राह। 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए बनाए गए गठबंधन इंडिया के 26 विपक्षी दल शामिल हैं। गठबंधन में शामिल सभी दलों ने लोकसभा चुनाव में एकजुट रहने का प्रण लिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में यह एकजुटता शायद देखने को न मिले, क्योंकि क्षेत्रीय दल विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने की योजना बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बाद गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस और सपा दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने किसी गठबंधन के बिना अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एक मीडिया हाउस से बातचीत में राज्य में सपा प्रमुख रामायण सिंह पटेल ने इस बात से इनकार किया है कि पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के मूड में है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान की तरफ से उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। यह घोषणा राजनीतिक तौर पर की गई है, जिससे कि 2024 में लोकसभा चुनाव में वह इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश के सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव बना सकते हैं। रविवार को अखिलेश यादव ने MP और दोहानी और चितरंगी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। ये सीटें विंध्या क्षेत्र में आती हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। विंध्या उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लगता है। दोहानी सीट पर विश्वनाथ सिंह गौड मरकम और चितरंगी पर श्रवण कुमार सिंह गौड सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले बुधवार को उत्तर प्रदेश बॉर्डर से ही लगे हुए बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल बेल्ट की मेहराओं, बंदर, निवारी और राजनगर के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी। रामायण सिंह पटेल ने बताया कि अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का कोई आदेश नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का फैसला पार्टी हाईकमान लेता है, लेकिन उन्हें गठबंधन की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अखिलेश यादव ही इस पर फैसला लेंगे। रामायण सिंह पटेल ने कहा कि अखिलेश यादव ने राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा है। प्रदेश अध्यक्ष का यह भी कहना है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है। विधानसभा चुनाव में सपा अपनी मर्जी से चुनाव लड़ सकती है। वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया और सपा उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया है। उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा चुनाव में भी सपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है, जबकि वहां बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान पिछले दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई दौरे कर चुके हैं। 19 अगस्त को रायपुर दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी की घोषणा की और बीजेपी एवं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उधर मध्य प्रदेश की विंध्या और सतना पर आम आदमी पार्टी का फोकस है। अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के जनता से कई वादे किए और कहा कि सरकार बनी तो वह इन्हें जरूर पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।